हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट पता है आपको, हम लोग एसपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ गए हैं या तो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस ज्यादा है, तो इसके अंदर हमने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर कर लिए। थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप लोग आई होप देख लिए रहोगे, लेक्चर नंबर सेकेंड है यहाँ पर। नहीं देखिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से आप लोग देख लेना, और ये सब क्वेश्चन आप करके ही जाना है जिससे आपको चीजें काफी सिंपल और इजी लगेगी और हर एक का आपको कीवर्ड मिलेगा याद करने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे शेयर्स कैपिटल, सॉरी इशूड कैपिटल क्या होता है और मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ये सब भी पूछा जाता है एग्जाम में। इशू शेयर्स क्या होता है, अ कंपनी कैन रेज रिक्वायर्ड फंड बाय इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंसेस। क्या लिखा है यहाँ पर, अ कंपनी कैन रेज रिक्वायर्ड फंड, कंपनी को जो रिक्वायर्ड फंड रहता है वो रेज करती है। कैसे रेज करती है, बाय इशू द इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस। कंपनी क्या इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंसेस, डिबेंचर और बॉन्ड्स इशू करके कंपनी क्या करती है, पैसे कलेक्ट करती है, तो उसमें से शेयर्स की बात यहाँ पे है। बाय एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट बोरोइंग द लोन, ये सब बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहता है, ठीक है, कंपनी को पैसे कलेक्ट करने के। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बात करेंगे शेयर्स इशू करने के। तो मेथड्स क्या है, एक एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि मेथड्स क्या है, शेयर्स इशू करने के मेथड्स क्या है। द डिफरेंस मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स आर एक्सप्लेन एज फॉलो। जो शेयर्स इशू करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसको नीचे एक्सप्लेन किया जा रहा है। पहला, पब्लिक ऑफर और पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक ऑफर होता है और पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होता है, इट मींस क्या होता है, इट मींस द ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। इसका सिंपल सा मतलब होता है, इट मींस द ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। अंडर दिस मेथड कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक, इनवाइट टू ऑफर फॉर द सब्सक्रिप्शन, फॉर द सब्सक्रिप्शन। अंडर दिस मेथड कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड टू ऑफर द शेयर टू द पब्लिक। पब्लिक ऑफर जो रहता है या पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स जो रहता है, इसमें क्या होता है, कंपनी इसका मतलब होता है ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक। इसमें क्या होता है, कंपनी किसको शेयर ऑफर करती है, बेसिकली पब्लिक को। अंडर दिस मेथड द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस, कंपनी इशू करती है किसको, पब्लिक को इनवाइट करती है ऑफर द सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अंडर दिस मेथड कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड, इसके अंदर कंपनी दो प्राइसिंग मेथड यूज करती है ऑफर शेयर टू द पब्लिक। जैसे यहां पर एक मेथड को हम लोग बोलते हैं फिक्स प्राइस इशू मेथड, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस इशू मेथड। इन फिक्स प्राइस इशू मेथड द कंपनी स्पेसिफिक इन द प्रोस्पेक्टस। क्या लिखा है यहाँ पर, फिक्स इशू प्राइस मेथड क्या होता है, फिक्स प्राइस इशू मेथड क्या होता है। इन फिक्स प्राइस इशू मेथड द कंपनी स्पेसिफाई इन द प्रोस्पेक्टस में स्पेसिफाई की रहती कंपनी, क्या प्रोस्पेक्टस क्या रहता है, एक इन्विटेशन रहता है कि आपको कंपनी का शेयर खरीदना है, तो उसके अंदर डिटेल दिया रहता है। तो वहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स प्राइस इशू मेथड के अंदर क्या होता है, इन फिक्स प्राइस इशू मेथड द कंपनी स्पेसिफाई द प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी बताएगी कि आपको फिक्स प्राइस मेथड से हम लोग शेयर इशू करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर एंड प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ऑफर करेंगे और उसके प्राइस क्या रखेंगे। द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर आर रिक्वेस्ट टू पे द सर्टेन पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू, और जो सब्सक्राइबर रहेंगे जो इन्वेस्टर रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है पे करो सर्टेन पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू, आपको क्या करना है, पे करना है और इंटर द इशू प्राइस अलोंग विद द एप्लीकेशन के साथ आपको इशू करना है। दूसरा जो मेथड होता है बुक बिल्डिंग मेथड होता है, बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, अंडर दिस मेथड द इशू द कंपनी फर्स्ट डिसाइड, यहाँ पर कंपनी क्या है, इशू पहले डिसाइड होता है, क्या होता है यहाँ पर बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी, इशूअर कंपनी फर्स्ट डिसाइड फिक्स द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड करेगी एंड द इशू प्राइस एट विच शेयर्स आर टू बी सोल्ड, और कौन से प्राइस में सोल्ड करेगी, बाइंडिंग प्रोसेस में, इस प्रोसेस में। देन द कंपनी इशू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विच स्पेसिफिक प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड इन्वाइट द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट्स। द इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दे विश टू बाई एट द एनी प्राइस विद द प्राइस बैंड। क्या लिखा है यहाँ पर, बुक बिल्डिंग मेथड्स क्या होता है, इस मेथड के अंदर अंडर दिस मेथड
द इशूअर्स कंपनी फर्स्ट डिसाइड करती है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड करेंगे इशू प्राइस पे, एट विच द शेयर्स आर टू बी सोल्ड, कौन से शेयर पे सोल्ड करेंगे, बीडिंग करेंगे। देन द कंपनी इशू द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस विद द विच स्पेसिफिक प्राइस रेंज में और प्राइस बैंड में, इन्वाइट द इन्वेस्टर टू बीड इट, द इन्वेस्टर कैन बीड एनी नंबर ऑफ शेयर दे विश टू बाई और एट एनी प्राइस विद द प्राइस बैंड, ठीक है, किसी भी प्राइस बैंड में। बीडिंग रिमेन ओपन फॉर फाइव डे, यहाँ पर रहता है पाँच दिन तक कोई भी बीडिंग यहाँ पर कर सकता है। द बीड अलॉन्ग विद द अप्लीकेशन मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू लीड मर्चेंट, जो एजेंट रहते हैं जो उनके पास आपको जो रिक्वायर्ड मनी रहेगा अप्लीकेशन का सबमिट करना पड़ेगा। बैंकर्स कॉल्ड एज द बुक रनर, और बैंकर को बुक रनर भी बोला जाता है। आफ्टर बीडिंग इज ओवर द कंपनी फिक्स द कटअप प्राइस, बीडिंग होने के बाद कंपनी क्या फिक्स करती है, कटअप प्राइस को फिक्स करती है। Based on the highest price set with us, all the shares and offered can be sold. और उसके बाद कंपनी क्या कर देती है, सोल्ड कर देती है। कंपनी देन इशू प्रोस्पेक्टस विच स्पेसिफिक फाइनल प्राइस शेयर्स, ठीक है, कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, कैसे स्पेसिफिक प्राइस पे क्या करती है, इशू करती है। मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर, कौन कौन से मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर के, कंपनी कैन मेक द पब्लिक ऑफर थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स, तो कौन कौन से मेथड से, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, टू मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बहुत सारे मेथड्स के बारे में। जैसे यहाँ पर मेथड्स ऑफ पब्लिक ऑफर, तो कंपनी पब्लिक को कैसे ऑफर कर सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर मींस आईपीओ के थ्रू ऑफर कर सकती है। जैसे व्हेन अ न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी ऑफर इट द शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक टू रेज द शेयर कैपिटल इज कॉल्ड आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स क्या होता है, When a newly established company, जो कोई newly established नहीं नहीं established की हुई कंपनी रहती है, ऑफर करती है द शेयर टू द फर्स्ट टाइम, जब कंपनी को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है शेयर किसको, पब्लिक को, रेज द शेयर कैपिटल रेज करने के लिए, इट इज द कॉल्ड आईपीओ। से हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर मेकिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी शेयर रिमेन हेल्ड द प्राइवेटली, ठीक है, उसके पहले कंपनी के शेयर प्राइवेटली रहते हैं and they are not listed on any stock exchange, और वो shares कहीं पर भी listed नहीं होता है। But after the IPO, a company become the listed company and the shares can be traded by the investor or stock exchange। क्या लिखा है यहाँ पर, But after IPO के बाद company, जो company become क्या हो जाता है, listed company, company क्या हो जाती है, listed company हो जाती है, and if the shares can be traded in the investor and stock exchange can trade कर सकता है यहाँ पर। इसके बाद आता है फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर में क्या होता है, व्हेन द कंपनी इशू अ न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, क्या आईपीओ के बाद जब कंपनी वापस से शेयर्स को इशू करती है उसको हम लोग फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं। आफ्टर द आईपीओ बोलता है कंपनी जब इशू, कंपनी इशू द शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर द आईपीओ इट इज द कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर, उसको क्या बोला जाता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। और द फॉलोइंग पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है, When a established company need to additional fund, जब जो established company रहती है उसको extra fund की जरूरत रहती है, it invest the public to subscribe the new issue equity share is called FPO। यदि company क्या करती है यहाँ पे subscribe new issue equity share को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FPO बोलते हैं। Offering share to existing equity shareholder, the shares offered to existing equity shareholder are explained as the follow। जब कंपनी कंपनी के पास एक ऑप्शन कैसे शेयर इशू करने का रहता है कि जो खुद जो पहले से उसके कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है। तो कैसे इशू करेगी, उनको कैसे दे सकती है, राइट इशू के थ्रू दे सकती है। अभी राइट इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है, एंड द इन्वेस्टर गिवन बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेस एडिशनल न्यू शेयर। क्या दिया यहाँ पे, राइट इशू में क्या होता है, And the invitation given by the company, company invitation देती है किसको, इट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर है, परचेस एडिशनल न्यू शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के एडिशनल न्यू शेयर परचेस करने के लिए इज कॉल्ड राइट इशू। से हम लोग क्या होते हैं, राइट इशू। दिस टाइप्स ऑफ इशू गिवन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट टू परचेस अ कंपनी न्यू शेयर इन द प्रोपोर्शन देयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग,
जो पहले से शेयर होल्डर रहते हैं उनको एक ऐसा राइट दिया जाता है कि आपको पहला राइट्स, आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? आपके पास जो होल्डिंग है उसके एक रेशियो में आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। व्हेन एवर द कंपनी मेक इट द फर्दर इशू टू द इशू ऑफ द शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर गेट द प्री इंपोर्टेड राइट, मतलब फर्स्ट राइट उनको दिया जाता है टू न्यू शेयर ऑफर टू द कंपनी, पहला राइट उनको दिया जाता है। दूसरा, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कैसे शेयर इशू कर सकती है, बोनस शेयर्स की इशू, कैसे इशू कर सकती है, बोनस शेयर्स की इशू, बोनस इशू या बोनस शेयर। व्हेन द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट, जब कंपनी क्या करती है जो फुल्ली पेड अप शेयर्स रहता है वो कैसे इशू करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू, द फ्री ऑफ कॉस्ट किसको इशू करती है, कहां से इशू करती है, आउट ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो पहले से बचा हुआ प्रॉफिट है, जो पहले से पड़ा हुआ प्रॉफिट है, और रिजर्व टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन देयर शेयर्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर रहते हैं और इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स हेल्ड बाय देम आर कॉल्ड बोनस शेयर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स। वापस से बोनस इशू और बोनस शेयर्स क्या होता है, तो व्हेन द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, जब फुल्ली पेड अप शेयर्स को इशू करती कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे इशू करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे, आउट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, आउट ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द प्रोपोर्शन देयर शेयर्स हेल्ड बाय देम इज कॉल्ड बोनस शेयर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, ऑफरिंग द शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, जो कंपनी की एम्प्लॉई है उनको शेयर कैसे इशू करती है। शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई आर एक्सप्लेन एट द फॉलो, नीचे यहां पर सबसे फर्स्ट कंपनी उनको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे सकती है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी कंपनी क्या कर सकती है, दे सकती है। जैसे यहां पे अंडर द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम कंपनी ऑफर द सर्टन शेयर फ्रॉम द न्यू इशू टू द परमानेंट एम्प्लॉय, जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनको कंपनी क्या करती है, सर्टन मतलब कुछ नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर देती है, ऑफर कर देती है। अंडर द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम कंपनी ऑफर द सर्टन शेयर फ्रॉम द न्यू इशू टू द परमानेंट एम्प्लॉय, जो कंपनी के रहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर और ऑफिसर एट द प्री डिटरमाइंड प्राइस में, विच इज द यूजली लेस देन प्राइस ऑफर टू द जनरल पब्लिक, जितना जनरल पब्लिक को हम लोग ऑफर करते हैं उससे कम है। दिस इज द आगे लिखा है, दिस इज द स्कीम थ्रू विच कंपनी इंकरेज द एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, इससे कंपनी क्या करती है, इंकरेज करती है पार्टिसिपेट के लिए, किसमें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करती है, किसे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, कंपनी कौन सा ऑफर देती है, ऑफर होता है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अंडर द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम द कंपनी ऑफर द इक्विटी शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी एम्प्लॉय एट द डिस्काउंटेड प्राइस में, इसमें कैसे होता है, परचेस स्कीम के अंदर कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस में उनको देती है, मतलब यहाँ पर पैसा लेती कंपनी, विद दे कैन परचेस एट द फ्यूचर डेट, कभी भी परचेस कर सकते हैं, क्या होता है उनको एक फ्यूचर का डेट दिया जाता है, आप फ्यूचर में खरीद सकते हो, ठीक है, आपके नाम पर इतना शेयर्स है। आगे यहां पर द कंपनी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ द अमाउंट शेयर फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय इन द इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी डिडक्ट करती है वैल्यू ऑफ अमाउंट, ठीक है, शेयर फ्रॉम सैलरी एम्प्लॉय इंस्टॉलमेंट्स में क्या करती है, डिडक्ट करती है। इसके अलावा ऑप्शन आता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, अंडर द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम कंपनी गिव द राइट टू रिसीव द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द फ्यूचर रेट। इसमें क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन में कंपनी एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक देती है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में कंपनी गिव द राइट द रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स, आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको एप्रिसिएशन के तौर पर शेयर्स दिया जाएगा फ्यूचर रेट में। On the date of the allotment of share, the company allot the employee a specific number of stock appreciation right unit that in the link to the value of company shares, ठीक है, on the future date of the employee is to be paid appreciation value cash through the equity shares के through। एक होता है यहाँ पर कंपनी इशू करने का ऑप्शन रहता है sweet equity shares ऑप्शन रहता है। sweet equity shares क्या होता है, द शेयर्स विच आर इशूड कंपनी
to the director or employee at the discount for the consideration other than the cash is recognized. क्या लिखा है यहाँ पे? Sweet equity shares क्या होता है? The shares which are issued by company to जो company के director होते हैं, employee होते हैं, at a discount for the consideration other than cash के अलावा recognition of their valuable contribution of the company. मतलब उनको cash के अलावा वो कुछ ऐसा contribution, कुछ अच्छा काम किए थे, इसके वजह से जो उनको दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीट इक्विटी शेयर्स. वंस अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? तो स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? द शेयर्स व्हिच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर, जो कंपनी के रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, एट अ डिस्काउंट और फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश के अलावा, रिकॉग्नाइज ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड स्वीट इक्विटी शेयर्स. दिस शेयर हैव द लॉकअप पीरियड इन 3 years, मतलब आप उस शेयर्स को 3 साल तक बेच नहीं सकते हो. प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है यहां पर? तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट रिफर्स टू दी process in which the company offered the security, that is the shares, debenture, bonds, etc. to selected group or investor out not the exceeding 200 ज्यादा लोग को privately किसी को offer नहीं कर सकते थे. ये भी एक तरीका रहता है shares issue करने का. अभी next question हम लोग देखने वाले हैं allotment of shares, ये भी एक important question है.